सहारा मिला, ठुकराया गया था मैं अपनों से हर जगह हर जगह। ठुकराया गया था मैं अपनों से हर जगह हर जगह। फिर मुझे तू मिला, क्या ही था वो समा, तुझ पाया तो मिला है खुदा। फिर मुझे तू मिला, क्या ही था वो समा, पाया तो मिला है खुदा। जिंदगी बदल गई, मंजिल हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे ही बनी पहचान दुनिया में, नाम है मेरा जाना गया सारी दुनिया में। तेरी खातिर ही बनी पहचान दुनिया है मुझे, है मुझे। कुछ भी जानता न था, किसी का हाथ को उठाओ खुदा के लिए, सर्वशक्तिमान खुदा के लिए, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर जीवन दाता, सब कुछ जो वो देता हमें, ये शरीर हमारे अंदर, रूह जिस्म जान सब कुछ हमारे परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, वो हमसे बेहद प्यार करता है। मैं तो आपके लिए एक अपॉइंट किया हुआ हूँ स्पिरिचुअल फादर, ताकि मैं उसकी ओर से तुम्हें वो मैसेज, वो ज्ञान दे सकूँ, जिससे तुम उसे जान सको, उसके प्रेम को जान सको और जबरदस्त जिंदगी को ले सको। आज खुदा ने मुझे एक बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदा का जो उसने मुझे गिफ्ट दिया है। सबसे पहले आप सब लोग हालेलुया, और ये मेरी फैमिली, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा, कभी भी लोगों ने तीनों को एक साथ नहीं देखा होगा ना, बेटी भी है हमारी, आ जाओ ऐसे पकड़ते हैं आज।
रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, सावन को टच, भर जाओ आत्मा से, हर एक जन भर जाओ आत्मा से, हर एक जन भर जाओ आत्मा से, हर एक जन भर जाओ आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, टच, 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 भर जाओ आत्मा से, 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 टच, टच, इन द नेम जीसस, उस सामर से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, 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 भर जाओ, टच, 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 टच द नेम जीसस, टच द होली स्पिरिट, 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 touch the Holy Spirit, touch the Holy Spirit, touch the Holy Spirit, touch, भर जाओ, भर जाओ आत्मा से, भर जाओ उसकी सामर से, भर जाओ उसकी सामर से, सामर से, सामर से, सामर से, सामर से, hallelujah, ऊंचा बोलो hallelujah. Thanks God, इस गिफ्ट के लिए जो आपने दिया, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपका. हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो. ओके, इस प्यार के लिए धन्यवाद परमेश्वर का, जो खुदा की ओर से मिलता है. बाइबल में एक बात लिखी है, वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाल दिया है. क्योंकि जो परमेश्वर का प्रेम है वो है अगापे, और जो मनुष्य का प्रेम है वो है फिलियो. फिलियो प्रेम का मतलब होता है जो थोड़ा करता है, थोड़ा करता है, फिर वो खत्म हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं होता. इसे यूनानी में बोलते हैं फिलियो प्रेम. जो अगापे प्रेम है परमेश्वर का, वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा के लिए रहता है. और यही प्रेम परमेश्वर ने इस जगत के साथ किया है. और ये गहरा वचन है हमारे लिए, जिसे हमें समझना होगा सबको. हालेलुया, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का प्रेम गहरा है. इनके ऊपर भी थोड़ी लाइट दे दो. अब लाइट चाहिए, क्योंकि अभी मजिशियन या वर्शिप नहीं है. इन लोगों पर लाइट, जो कलीसिया है फ्रंट से, सबके ऊपर लाइट कर दो फ्रंट के ऊपर. सुनो तो देखो, आप लोग सारे, आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहे. आप लोग अभी हमारे पास बहुत खुश है, उन्नति के लिए, आप लोगों के लिए, बरकत के लिए. परमेश्वर मुझे यूज करेगा आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए, और सबसे बड़ा पवित्र वचन के लिए. लेकिन याद रखो, सब सब जो भी लोग आज यहाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसके चरणों में आए हैं, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सीरियस होना पड़ेगा. सीरियस, सीरियस इन द सेंस कि आप लोगों को ध्यान बनाना पड़ेगा. और जितने भी पीछे सेवा करते हैं, जैसे वॉलंटियर्स, सोल्जर्स, टीम, सब अपने अपने काम पर रहो, ताकि कोई भी नेगेटिविटी काम ना कर पाए और लोगों को इसको बरकत मिले. लोग, आज मेरा दावा है आपसे, प्रोफेसी है, प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए, कि आज आप सेम नहीं जाने वाले.
आप आत्मा से भरकर जाओगे, डिलीवर होकर जाओगे। अगर आपने डिलीवर होना है, जैसे हॉस्पिटल में लोग जाते हैं डिलीवर होने के लिए, तो कई बार एक महीना बेड पर इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू में या वार्ड में पड़े रहते हैं इस आशा से कि हम डिलीवर होंगे। कितना लंबा वेट, लाखों रुपए लगाते हैं। मैं ये बात इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि वहाँ लोग डिलीवरेंस लेने या डिलीवर होने, चंगा होने जाते हैं, कोई टाइम का पता नहीं, कोई पता नहीं पैसा कितना लगेगा, लेकिन एक वेट में, एक आशा में रहते हैं। तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए जब तक ये मीटिंग है तब तक वेट है बने रहने से, और फिर तुम छुए जाओगे यीशु मसीह के नाम। ये पॉइंट तुम्हें अपने मन में सेट करना होगा। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, एक आशा से आए हो, तुम किसी पीछे नुक्कड़ में हो, कोने में पड़े हो, या ओवरफ्लो साइड में हो आप लोग इस एरिए में, क्योंकि बारिश की वजह में हमारा प्लेस थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो हमें इधर उधर बड़े लोगों को डालना पड़ा, या देखो कितना दब दब कर लोग खड़े हैं। लेकिन ये बात याद रखो, जब तक मैं पुलपिट पर खड़ा हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, हमारे बीच उसकी प्रेजेंस होगी। अगर तुम बड़े सीरियस हो आज, क्योंकि बिना सीरियस कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, जब हम संसार के काम भी करते हैं अगर उसमें सीरियस हैं तो उस काम को हम पूरा कर सकते हैं, फल ले सकते हैं संसार की दुनिया में। लेकिन अगर तुम यहां पर आज सीरियस हो रहे हो, सीरियस, तो तुम आज अपनी डिलीवरेंस लोगे यीशु मसीह। तुम अगर आशा से आए हो कि खुदा के दास ने एक हफ्ता पहले जो वर्ड दिया था कि मैं प्रेम में रहूंगा आप लोगों के लिए, और वो वचन आज मेरा पूरा होगा, आज खुदा मुझे छुएगा, अगर तुम्हारे मन में ये बैठी है बात और तुम बड़े सीरियस यहां हो अपना फोकस बनाकर, अब कितने लोग सुन रहे पीछे तक मेरी बात को, तो आज तुम्हारा फिर वो डिलीवरेंस होगा यीशु मसीह। हमारे पास टाइम कम है, समय ज्यादा है, मेरा कहां गया फोन, ताकि मैं टाइम को चेक करता रहूं साथ में, सुनो तो देखो। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं तुम्हें अपनी जगह पर बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है, आराम से सब जो अपनी जगह पर बैठ जाओ। मुझे बड़ी स्पीड में 10 मिनट में ये काम करना, खड़े करो खड़े करो, सबको आगे ले आओ, ये 10-12 मिनट में मुझे काम खत्म करना है, और आप लोग सीरियस हो जाओ जल्दी, ठीक है, एकदम से सीरियस खुदा के साथ। टीम वॉलंटियर अपने काम में पीछे भी चले जाओ, अपने वॉलंटियर पीछे, जो लोग कुछ इतनी चीजें नहीं समझते, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं, इनको लास्ट में लाना, इस फैमिली को इसको लास्ट में लाना, बाकी लोगों को लाओ जल्दी जल्दी, जो 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 भी लाने हैं जल्दी लाओ। इस फैमिली को देखो आप लोग, मैं क्यों आपको बताना चाहता हूं, सुनो, ये फैमिली लगभग 4 साल से हमारी मिनिस्ट्री में आना स्टार्ट हुई है, लगभग इतने साल से ना, 4 साल से, माइक रखो पास में, ये यहां से ज्यादा दूर नहीं है, ये आप समझ सकते सिख फैमिली है, सुनो ध्यान से। जब ये आए बड़े हालातों में थे, खर्च, हालात, जमीन गई, सब कुछ गया। आपकी कितनी जमीन थी, जमीन कितने एकड़ जमीन थी, 9 गले, 9 के 9 गए, पता किसमें, ड्रग्स में, इनके बच्चों को ड्रग्स की आदत लग गई, 9 एकड़ जमीन गई, पैसा गया, बीमारियां आई, हालात आए, सब रस्ते बंद, कुछ रस्ते नहीं खुल रहे थे। तब इन्हें गुड न्यूज मिली हमारे चर्च की, ये 4 साल पहले आए। अगर हम इनके सीन देखे, सीन जब ये आए, कैसे दुष्ट आत्माएं इनके ऊपर काम कर रही थी, इनकी बेटी कितने सालों से कैनेडा जाना चाहती थी, नहीं, रास्ता खुल रहा था, शैतान आता था, कहता मैं नहीं जाने दूंगा, तुम सारे टब्बर को मार दूंगा। एक बात याद रखना, तुम सारे लोग जब भी आपकी जिंदगी में गलत चीजें होंगी, जैसे नशा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इससे दुष्ट आत्मा काम करेगा 100%, ये मेरा अनुभव है। अगर तुम्हारी जिंदगी में आप हेरा फेरी करते हो, तुम किसी बिजनेस में गलत काम करते हो, दुष्ट आत्मा काम करेगा, ये बात याद रख लो। अगर तुम गलत वीडियोस देखते हो तो संसारिक, तब भी दुष्ट आत्मा काम करेगा, ये बात याद रख लो। इनके जीवन में भी ऐसे दुष्ट आत्मा ने काम किया, नाशत किया बुरी तरह,
जब ये हमारे पास आए, ले एंड हुआ, प्रार्थना हुई, वर्ड दिया गया, जुड़े बने, आज बहुत बरकत है इनके पास, सबसे बड़ी शांति। सुनो, आज इनका एक बेटा भी कनाडा चला गया है, बेटी भी कनाडा चली गई है, और ये जो भाई साहब खड़े हैं पगड़ी बांधकर, इनकी वाइफ और इनका भी 10-10 साल का कनाडा का वीजा लग गया है, और बाकी भी सारे, वो इनकी लास्ट में वाइफ है, और बाकी सारे भी काम परमेश्वर फटाफट कर रहे हैं, खुशी शांति चंगाइयां बरकत छुटकारा सब कुछ मिला है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता था, ब्लेसिंग क्यों आई, कैसे आई, ये बने और ये बीज में बड़े खड़े हो गए, जो दुश्मन परमेश्वर के लिए बोना उसमें बड़ा इन्होंने ध्यान दिया। मैं इसलिए आपको खड़ा कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कैसे ये नियम में कैसे बरकत पाए, और इनकी ये गवाही इतने मिनट में परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आपको बहुत सारी बरकत आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, मैंने कहा था 10-12 मिनट में मुझे काम खत्म करना है, जल्दी अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर आप इसको देखोगे, कई बार मैंने इसकी उदाहरण दिया आपके सामने, इस भाई की, ये भाई आज नहीं जुड़ा, ये जब मैं अगुआ नहीं था, अपोस्टल नहीं था, मैं एक एवेंजलिस्ट था, एवेंजलिज्म करता था, और छोटी मोटी अपने घर बैठकर संगति करता था, लोगों को टीच करता था। आज से 10 साल पहला ये मुझे मिला परिवार, ये एक ग्रुप डेरे में जाते थे और बड़े हालातों में थे, ये इनकी वाइफ बीमार थी, दुष्टात्मा आता था, और हालात हालात, बच्चे सेटल्ड नहीं हो रहे थे, 10 साल पहले बड़ी चिंता थी, मुश्किलों में आए, और तब से लेकर आज तक कई लोग हमारी मिनिस्ट्री से आगे पीछे हुए, शैतान को मौका दिया, शैतान ने उन्हें यहाँ से तोड़ा, फिर उन्होंने हमारी बुराई की, इनको भी कहा आ जाओ इधर, आ जाओ उधर, आ जाओ, इन्होंने किसी की नहीं सुनी, ये बस बने रहे इस मिनिस्ट्री के साथ और खुदा के साथ। तुम्हारे लिए बड़ा मेन पॉइंट है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि तुम वहां जाओगे तब तुम्हारा भला होगा, नो, भला तुम्हारा होगा जब तुम राइट परमेश्वर के साथ चलने लगोगे। ऊंचा बोलो हालेलुया, तुम्हें राइट चलना होगा। इन्हें समझ आ गया, आज इनके 3 बेटे हैं, जब ये आए थे उनकी बड़ी चिंता थी, आज तीनों बच्चे, एक यूरोप में है, 2 कनाडा में है, वेल बिजनेस है, 2 की शादियां हो चुकी है, वो भी इनके अनुसार जैसा ये चाहते थे, ये बने रहे, ये बीज में खड़े थे, ये लोग भी बीज बोने में, ये खुदा के साथ, खुदा के दास के साथ वफादारी का आत्मा बनाकर बने रहे, तो आज इनकी ब्लेसिंग है। खुदा आपको, आपके बच्चों को और बढ़ा चुका है यीशु नाम से। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, हाँ, आप कब आए हमारे पास? 2021, लगभग 3 साल हो गए। कई बातें हुई, इधर उधर, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन आपने मन बना लिया जी कि मैं इस मिनिस्ट्री में जाऊंगा, यहाँ राइट शिक्षा है जी। कितनी कितनी बरकत आई, थोड़ा सा बताओ आपको। पापा जी, बहुत बरकत आई। जब मैं इस मिनिस्ट्री में आया था तो मेरी सैलरी लगभग 70,000 थी। 70,000 सैलरी थी आपकी लगभग? हाँ, अब कितनी है? अब 3 साल में लगभग डबल हो गई है, 1,40,000। हाँ जी, देख लो यीशु के सामर्थी नाम से। ये एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, किसी कंपनी में ये कोई पास करते हैं प्रोडक्ट, जब इनके साइन होंगे तभी वो प्रोडक्ट पास होगा। तो 70,000 से स्टार्ट हुआ, आज 1,40,000 है। वो जो घर के लिए आप बोलते थे, ये मुझे घर मिल जाए, हमेशा जब भी मुझे 2-4 मिले, वो घर का क्या हुआ? पापा जी, जो आपने वर्ड दिए हैं, वो घर तो मुझे मिल ही चुका है, वो रजिस्ट्री की तरह है आपके वर्ड मेरे लिए। हालेलुया। लेकिन इनको घर चाहिए था, इनका घर अपना था, लेकिन इनको एक और घर चाहिए था, जो सारी बिल्डिंग, तो परमेश्वर इनके लिए कर चुका है, हो चुका है ना। हाँ, तो पापा जी, जिस घर के लिए आपने वर्ड मुझे दिए, वो तो मेरे लिए रजिस्ट्री है ही, लेकिन मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि हो, मेरा घर का काम हो। हाँ, दो एक जगह मेरी बात हुई लेकिन बात नहीं बनती थी। हाँ, तो मेरी वाइफ बड़ी कहती थी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा। मैंने कहा परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, हमारे लिए कुछ बेस्ट है, पापा जी ने हमारे लिए बोला है तो ये होना है, होना है। आज ऐसा हुआ कि पापा, जिसके लिए वर्ड दिए हैं, उसके साइड वाले 3.5 मंजिल मकान का आपको मिल गया है? मिल गया है, 7 वाला 3.5 मंजिल, 3.5 मंजिल, बिल्कुल 7 वाला, बिल्कुल 7। अब उस मतलब वो आपका, आपने उसका कागज पत्र लिखे गए, एग्रीमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया। देखो, तारीफ करो खुदावन। अच्छा, आप अपने बीज बोने में कैसे हो? पापा, मैं अपना बीज जो बड़े वफादारी से बोता हूँ, और करीब 2 साल से मैं अपना दशमांश बड़े वफादारी, पूरी वफादारी से हर महीने निकाल दो, ये फल है उसका। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम, इस गुवाही के लिए तारीफ करो। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, मुझे 4-5 मिनट में बाकी काम खत्म करना है, जल्दी करो, 5 मिनट में जल्दी। हाँ, बताओ बताओ, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ जल्दी। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम सरबजीत है और इनकी वाइफ है संदीप कौर, और ये बताते हैं कि इनकी मैरिज 2014 में हुई, तो इनको पहली बेटी हुई 2015 में, उसके बाद 2018 में दूसरी बेटी हुई, लेकिन ये चाहते थे, इनकी बड़ी चाहत थी कि इनके घर में बेटा हो, तो इसीलिए 2021 में परमेशन इनकी ये भी इच्छा पूरी की, बेटा दिया इनको जी। ओके, उसके बाद? उसके बाद इनके ऊपर 2014 से 25 लाख का कर्ज था, जो बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था,
अच्छा बीच में आपने बताया थोड़ा सा भटक गए थे, फिर पता नहीं इधर उधर चले गए, फिर वापस आए, बड़े परेशान थे, इतना कर्जा हो गया, फिर क्या हुआ? भटक गए थे और उसके बाद इनको पता नहीं था हालात, फिर बहुत ज्यादा फिर से अच्छे से बने यहाँ जी। जब दोबारा बने तो फिर क्या हुआ? तो 2023 में अपोस्टल जिनका वो 25 लाख का कर्ज बिल्कुल उतर गया है, सारा का सारा कर्ज। और क्या हुआ, और क्या हुआ? और उसके बाद फिर अच्छे से चलने लगे, 20 होने लगे। तो बताते 2024 में परमेश्वर ने इन्हें टोयोटा इनोवा कार से ब्लेस कर दिया। तारीफ करो इस ब्लेसिंग के लिए, तारीफ करो जोर से। हाँ जाओ, टाइम शॉर्ट है, आगे ले जाओ। लाओ मुंदरी डाल दी इन्होंने, ये बाद में सोचेंगे कि खुदा के दास ने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, फिर भी परमेश्वर ये सब चीजें जो डालते हैं ये खुदा का आदर है। परमेश्वर आपको बरकत बहुत सारी, यीशु मसीह के नाम उधर खुदा की दास के पास चले जाओ, खुदा आपको बरकत दे चुका है। मिलेंगे अलग टाइम आपको, और बढ़ जाओगे यीशु नाम से। ओके नेक्स्ट, जल्दी परमेश्वर आपको। हाँ बताओ जी, ये ग्रीन साड़ी वाली सिस्टर है अनीता, और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ये बताते हैं कि इनके पति ने किसी को उधार दिए थे 12 लाख रुपए। हाँ। और बताते हैं कि उसके बाद वो अपनी जुबान से मुकर रहा था और दे नहीं रहा था, वो हाँ। जमीन का खरीद बेचने का काम करता था, वो कहता था मैं दे दूंगा। ऐसे ये परेशान हो गए थे, बड़े महीने परेशान रहे। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि नवंबर महीने तक ये इतने परेशान रहे, उसके बाद यहाँ पर आए, इन्होंने पेपर बनवाया, लेहन प्रार्थना करवाई, और उसके बाद परमेश्वर इनके लिए वो रास्ता खोल दिया। जो भाई इनको 12 लाख इनका वापस नहीं कर रहा था, आज इनका वो सारा पैसा इनको वापस हो गया, वो सारा पैसा वापस दे दिया। कहाँ से आप लोग? यूपी से। देता ही नहीं था, मतलब आपको लग रहा था खत्म कहानी। हाँ। आप जानते ना, संसार में जब पैसे लोग मार लेते हैं बुरा हाल होता है, मिलते नहीं लोगों को, लेकिन ये खुदा है, आपका हक आपको दिलाता है जब आप खड़े और वफादार बनते हो। इस गुवाही के लिए भी तारीफ करो जोर से। अच्छा लाओ, ये देखो बारिश हो रही है, लोग इतने खुश हैं, जब इतने बड़े काम खुदा करता है इन लोगों के लिए, तो क्यों नहीं ये खुदा के लिए अपनी आशीषों को बोएं? क्योंकि जब ये एक चीज को बोते हैं तो बाइबल में लिखा, जब तुम जितना बोगे उतना नहीं काटोगे, ऐसा नहीं लिखा, बहुत काटोगे, ऐसे लिखा, जब तुम बहुत बोगे बहुत काटोगे यीशु नाम से। हालेलुया। जितनी रिंग्स मुझे डालते हैं लोग, अगर मैं सारी डालकर रखूँ ना, एक एक उंगली में चार चार डालूं, सारी नीचे वाले भी डालूं, तब भी इतनी ज्यादा हो जाएंगी, इतनी बरकतें आती लोगों को। तारीफ करो जोर से। हाँ लाओ आगे फटाफट। हाँ इनकी गवाही मैं आपको बताता हूँ। ये सेंटर में इसकी मम्मी है, साइड में उसकी बेटी है, साइड वाला उसका बेटा है। झूम करो थोड़ा सा। हाँ ये साइड वाला बेटा है और बेटी है, सेंटर में मम्मी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाया बेटे के लिए, किसी कारण से, या नेगेटिविटी समझ लो, कोई भी कारण समझ लो, रिफ्यूज़ल आ गई। इनको ऐसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब पता नहीं क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा हमारे बच्चों के लिए। तो परमेश्वर के घर में सब कुछ पॉसिबल है यीशु के नाम से। एक दिन मैंने इन्हें मिला, मैंने वर्ड दिया था होगा, जाओ होगा। तो अब इनका वीजा आया है कनाडा का, इस बेटे का, ये अभी जा रहा है, उसी की खुशी में ये गवाही दे रहे हैं यीशु नाम से। चलो आगे ले। परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है, खुदावंद आपको बरकत दे चुका है इन खुशियों के लिए जो ये दे। एक्चुअली मैं ये रिंग ना डलवाऊं, ना मैं ये हार उर डलवाऊं, लेकिन लोगों की जो भावना होती है, लोगों का जो प्रेम होता है वो बड़ा होता है, उन्हें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो परमेश्वर ने आशीष दे। हाँ तो जल्दी ओके। अच्छा ऐसा भी करने जा रहे हो, लो देख लो भाई। अच्छा वीजे की इतनी भी खुशी होती है लोगों को, है कहाँ गई, मतलब वीजे की भी इतनी खुशी होती है जो टूट जाता है मन, है ना। तो मैंने तो सोचा नहीं, अच्छा अरे वाह, परमेश्वर इन लोगों को बरकत दे बहुत सारी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बोया हुआ बीज तुम्हारा परमेश्वर डबल करके, ट्रिपल करके, 100 गुना तुम्हें वापस देगा यीशु नाम से देगा। जाओ दे दो, ये भी दे दो, ये बरकत लो बच्चों, परमेश्वर आपको आशीष दे। जाओ खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें मकसद में बहुत बढ़ा चुका है यीशु नाम से। तारीफ करो ऊंचा, जितनी तारीफ करो उतनी कम है तुम्हारी। मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं, उत्पत्ति 24 का 34 और 35। आप लोग इस वचन को सुनो ध्यान से, जल्दी करो टीम, रेडी रहो मीडिया टीम, मुझे ढीला कुछ नहीं चाहिए। हाँ कहाँ आएगा वचन मुझे बताओ, उधर आएगा या इधर आएगा, पीछे आएगा वचन,
मुझे खोलनी नहीं है बुक, मुझे स्क्रीन से पढ़ना है जल्दी। तुम लोग थोड़ा मीडिया टीम जो हमारे मेन टीम है साथ हो जाओ ताकि इन्हें समझ आ जाए। हाँ हाँ जल्दी करो। उत्पत्ति 24 का 34 और 35 वचन क्या लिखा देखो। तब उसने कहा मैं तो अब्राहम का दास हूं और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है और उसके उसको भेड़ बकरी गायें बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। ये अब्राहम एक टाइम में कुछ नहीं था इसके पास, ये खुदा के साथ वफादार रहा और परमेश्वर ने इसे बढ़ाया, आशीष दी। क्यों दी? एक वचन और पढ़ते हैं इब्रानिया 7:1-2 फटाफट से क्या लिखा। ये मल्लक सिद्दिक शलीम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक स्वर्दा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। 4:2 इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शलेम अर्थात शांति का राजा। अगला वचन भी 7:4 अब इस पर ध्यान करो कि ये कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने, तुमने स्पेलिंग क्यों नहीं चेक किए जिसने ये लिखा, अब्राहम ने, हाँ थोड़ा लगाओ लगाओ मैं पूरा पढ़ करूंगा। अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दसवां अंश दिया। सुनो ध्यान से, अब्राहम क्यों इतना धनी हो गया, इतना ज्यादा आगे बढ़ गया, इतना उसके पास आ गया। बाइबल में लिखा इस कारण क्योंकि उसने दसवां अंश अपने दशमांश को जो परमेश्वर के वचन में लिखा उसको मान्यता दी, उसको महत्व दिया अपने जीवन में। बाइबल में लिखा मलिक सिद्दिक याजक की बात हो रही है, महायाजक, मैं भी एक खुदा का दास हूं, अपॉइंट किया। कुलपति दाऊद जिसको परमेश्वर ने कहा था पूरी दुनिया में तेरे जब वो निर्वंश था उसकी पत्नी बांझ थी, परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी कि तुम्हारे तो कुल्लों का पिता होगा, कुल्लों का, कुलपति का मतलब कुल्लों का, इसीलिए उसके बारे में बड़ा लिखा। फिर से 7:4 वापस इब्रानिया देखो क्या लिखा। अब इस पर ध्यान करो कि कैसा महान था, कौन कौन महान था, एक खुदा का दास जिसको कुलपति अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दशमांश दिया। खुदा के दास की वैल्यू को बताया गया वहां, जो इतना बड़ा अब्राहम भी था, अब्राहम की डायरेक्ट बातें होती थी लेकिन फिर भी उसने अपना दशमांश खुदा के दास के सामने लाया। एक वचन हम लास्ट में पढ़ेंगे, 2 Corinthians 9:6-7 हाँ क्या लिखा। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। 7 हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़कुड़ के नहीं और ना दबा से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। ये जितने लोगों की आपने टेस्टमनी सुनी, इन्होंने खुशी से आनंद से परमेश्वर के नियम को माना, दशमांश भेंट उससे भी बढ़कर अपने जीवन में परमेश्वर के नियम को महत्व दिया और तुमने इतने लोगों की ब्लेसिंग की गवाही सुनी। ये तो मैंने कुछ, यहां हजारों है ऐसी गवाहियां, हजारों गवाहियां हैं। इससे पहले कि मैं आज तुम्हें, जो खुदावंद ने मेरे ऊपर अपनी ग्रेस को ओढ़ेला है, जो मैंने आपके लिए उन्नति की है और जो खुदा आपको देना चाहता है अपना पवित्र वचन, जीवन का वचन, और तुम्हें आज वो डिलीवर करे, तुम्हें शुए ऑनलाइन और यहां, और तुम बड़ी गवाहियों के साथ आओ। अगर किसी की 20 साल से कुक बंद है तो मेरा परमेश्वर आज खोलने वाला है। अगर किसी की 20 साल की बीमारियां हालातों में फंसा हुआ था, मेरा परमेश्वर आज उनको छुड़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम। क्या तुम राइट बड़े हो? क्या तुम फोकस में हो? क्या तुम खुदा की इच्छा पूरा करने के लिए अपना मन बना कर आयो? क्या तुम ये सोच कर आयो मैंने जाना है, घर ये है वो है, ये दिमाग में चल रहा है, या तुम सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ कर बैठे हो, मुझे आशीष लेनी है,
मुझे खुदा का अनुग्रह पाना है, उसके अनुग्रह में बढ़ना है, मुझे वो आशीष चाहिए। खुदा के दास के मुंह से निकला हुआ वचन आज मेरी जिंदगी में पूरा होगा। तो सबसे पहले आज हम अपना बीज बोएंगे, जो भी अपना भेंट दशमांश, अपने पर्सनली बीज, कुछ भी, अगर तुम समझते हो कोई भी यहां सत्संग होता है उसके बड़े खर्चे होते हैं, बड़ी चीजें होती है तुम्हारे माइंड में, कुछ भी है, तो सबसे पहले आज हम अपने सबसे पहले बीज बोएंगे और ये काम जस्ट 7 मिनट में हो जाएगा। और 7 मिनट तक तुम लोगों ने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, उठकर आगे पीछे नहीं जाना, 7 मिनट तक लगातार अपने स्थानों पर बैठे रहना है। उसके बाद आज खुदावंत की सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतरेगी, तुम शुए जाओगे, चंगाई को पाओगे, आशीष को पाओगे। जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को उठाओ ऊपर और मेरी बात सुनो ध्यान से। पिछले दिनों में मैं एक चीज सोच रहा था कि पवित्र आत्मा जो होता है वो ऐसे नहीं होता है जैसे बहुत सारे लोग रेंगते हैं, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन इन दिनों में जब मैं उन्नति कर रहा था तो मैंने ये फील किया कि जब तुम आत्मा से भरते हो तो वो फ्लो अंदर उछलता है स्पिरिट का। और ये मैं इन दिनों में देखा है, मैं भी ऐसे हिला हूं आत्मा के फ्लो से। पहले मैं इतना ऐसे नहीं लेता था, लेकिन मैंने इन दिनों में जब आत्मा से भरा ज्यादा तो मैंने इस फ्लो को देखा है, मैंने खुद भी अपनी प्रार्थनाओं में देखा है, और वो फ्लो आज तुम में बहेगा यीशु नाम में, वो सामर्थ तुम में काम करेगी। आज मुझे होली स्पिरिट इतना टच कर रहा है आज तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे पास टाइम को, मेरे सारी चीजों को लिमिट है, तो इसीलिए मैं जल्दी से तुम्हारे लिए वर्ड दूंगा और ये वर्ड खुशी मंडों के अंदर तुम्हें रिसीव करना होगा, तुम्हारे लिए है ये। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर का वर्ड है, वचन है, वो हमारे लिए जीवन है? कितने लोगों को ये पता है? जितने लोग वचन को खाते, यीशु मसीह ने कहा इंसान निरा रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे हम जीवित रहेंगे। कितने लोगों को यह विश्वास है कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए जीवन की रोटी है? अपने स्थानों पर बैठ जाओ कुछ मिनटों के लिए और बड़ा फोकस बनाओ, इधर देखो ध्यान से। मेरे पास ये एक बाइबल है, लेदर की बुक, इसके अंदर वचन लिखे हुए हैं, सुनो ध्यान दो, इधर देखो मेरी तरफ ध्यान दो। अच्छा वाला, इससे पहले कि आज तुम वचन खाओ और पावर से भर जाओ, आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। बोलो जीवित परमेश्वर, तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन जो तुम्हारे मुख से निकलता है वो मेरी रोटी है, वो मेरे लिए जीवन की रोटी है, मैं उसे खाने जा रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आपके आगे झुकता हूं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना से मांगता हूं विनती आपके आगे, घुटने टेक के खुदावन कि जो वचन जीवन की रोटी मैं खाऊंगा, कोई आज अंधकार की शक्ति से चुरा ना पाए। ये मेरी रोटी है, मेरे लिए है, मेरे जीवन के लिए है, इसे मैं खाऊंगा। और इसीलिए मेरी प्रार्थना है खुदा, कोई भी अंधकार की शक्ति इसे चुरा ना पाए, क्योंकि ये मेरे लिए उजाला है, मेरे राहों के लिए मार्ग है। और खुदावन आज मैं जो प्रार्थना से मांग रहा हूं मेरे लिए आपने कर दिया है, इस वचन को मैं खा चुका और जीवन पा चुका हूं यीशु नाम से, आमेन। मेरे हाथ में एक लेदर की बुक है, फिर से मैं बताना चाहता हूं, मेरे हाथ में एक लेदर की बुक है और इसके अंदर लिखे हुए वचन है। जब तक इस बुक के अंदर ये वचन है कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को तुम्हारे मुख में डालना चाहता है, तुम्हारे मुंह में डालना चाहता है। कितने लोगों को यह समझ आ रही है? वो अपने वचन को इस लिखी हुई बुक में नहीं, तुम्हारे मुंह में डालना चाहता है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आज परमेश्वर के वचन की वैल्यू, स्टैंडर्ड को समझना होगा अपने लाइफ में, कि परमेश्वर का जो वर्ड है कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं तुम्हें एक वर्ड देता हूं, भजन संहिता 138 का 2 वचन पढ़ेंगे, साइड पर करो स्क्रीन। हाँ, 2 में लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये कौन सा वचन तुम लाए हो?
भजन संहिता 138 की दो वचन, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था टीम कि मिस्टेक मत करना मेरे सामने, मेरे पास टाइम नहीं होगा। हाँ मैं यहां से पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। 38 में ऐसे लिखा है, 138 का 2 में लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये जो हेड है ना इनकी, इनको बोलो, इसको बोलो ठीक हो जाए अपने काम में। इसको मैंने बोला था हर चीज को चेक करना, इसने ऐसा नहीं किया, काली बड़ी है ये। लेकिन ये देखो वचन में अभी हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा अभी हमने, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अधिक महत्व किसको दिया, अपने वचन को। सोचो जो परमेश्वर का बड़ा नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, उसने अपने इस बड़े नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया है। सोचो वो सर्वशक्तिमान अपने वचन को देकर कभी बदलता नहीं, तुम्हारे अंदर उसका कितना स्टैंडर्ड चाहिए। वो वचन इस लेदर की बुक में नहीं, तुम्हारे मुंह में डालना चाहता है, तुम्हारे मन में डालना चाहता है। और जब ये तुम्हारे मुंह में होंगे और ये तुम्हारे मुंह से बोले जाएंगे और ये सामर्थ को और फलों को प्रकट करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं तुम्हें उत्पत्ति 41:2-8 तक वचन पढ़ता हूं, जल्दी जल्दी लगाओ जल्दी। 41 उत्पत्ति 41:2-8 तक वचन, और लिखा, और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कशार की घास चरने लगी। 3, और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो क्रूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गांवों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। 4, तब ये क्रूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गांवों को खा गई। तब फ्रॉन जाग उठा। 5, और वह फिर से सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक टंडल से या डंडी से 7 मोटी मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। 6, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और आगे, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फ्रॉन जागा और उसे मालूम हुआ कि ये स्वप्न है। 8, भोर को फ्रॉन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिश्र के सब ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलवा भेजा और उनमें उनको अपने स्वप्न बताए और उनमें से कोई भी उनका फल फ्रॉन से ना कह सका। हालेलुया। सुनो ध्यान से, ये जो मैंने तुम्हें वचन पढ़ाया ये क्या है, जो वर्ड की नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कि फिरौन को एक स्वप्न आया, उसने नदी से 7 गायें मोटी मोटी बहुत अच्छी निकली देखी और उसके बाद उसी नदी से 7 गायें और निकली जो इतनी क्रूप और इतने गंदे रूप में थी, इतने बुरे रूप में थी, और उन पतली मुरझाई पतली पतली गांव ने, गाय ने, वचन में लिखा मोटी गांव को खा लिया। और जब खा लिया तो बाइबल कहती है जैसे जब वो खाती जैसी होती वैसी रहती है, उनमें कोई फर्क नहीं नजर आता। लेकिन उसके बाद वो एक और सपन देखता है कि एक टंडल पर, एक डंडी पर 7 बालें निकलती है मोटी मोटी। फिर उसके बाद एक और उसी तरह एक बड़े मुरझाए हुए टंडल से 7 मुरझाई हुई पुरवाई से, बारिश से, बुरा हाल से बड़ी सुकड़ी हुई बालें निकलती है और उनको खा जाती है। वो जब उठता है घबरा जाता है, ज्योतिषियों को, पंडितों को, पूरे देशों को बुलाता है और कोई भी उसका स्वप्न नहीं बता पाता। और जानते हो किसने इस काम के लिए अपने दास को अपॉइंट किया था, इस सृष्टिकर्ता ने। हालेलुया। वो था योसेफ। योसेफ ने उसका अर्थ बताया, 7 गायें जो मुरझाई क्रूप थी वो थी आने वाले 7 वो साल जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को पूरी तरह से नाशित करते, खत्म करते,
भूख से तड़फ तड़फ कर नाश हो जाते, लेकिन खुदा ने अपने एक दास को, अपने मैन ऑफ गॉड को अपॉइंट किया ताकि उसके द्वारा जो परमेश्वर अपने लोगों को बचाए और आशीष की बात लोगों को बताए, जो 7 साल उनकी जिंदगी में थे जो नाशित के, बुरे हाल के, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उनके लिए वो 7 साल सुकाल के, खुशहाली के, जबरदस्त आशीष के बना दिए अपने दास को अपॉइंट करके। खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है और आने वाले 7 साल तुम्हारी जिंदगी में सुकाल के होंगे, ये प्रोफेसी है तुम्हारे लिए, ये आशीष है तुम्हारे लिए, और ये वचन तुम्हारी जिंदगियों में आज काम करेगा। जो खा रहे आज से, वो जो निर्वंश औरतें हैं जिनके गर्भ नहीं है, आज इस वचन से वो गर्भ में आने वाले हैं, वो जो कर्ज के नीचे हैं वो बाहर आने वाले हैं, जो बीमारियों में पड़े हुए हैं वो सुकाल देखने वाले हैं, वो आशीष को देखने वाले हैं, वो बरकत को देखने वाले हैं अपनी जिंदगी में। ऊंचा हालेलुया। खुदा के वचन को हम पहला सैमुअल 20 अध्याय का 30 और 31 वचन देखेंगे। क्या लिखा वचन में? लिखा, तब शाऊल का कोप जुनाथन पर भड़क उठा और उसने उसे कहा, हे कटुल राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यशे के पुत्र पर लगा है, इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर भी होगा। क्योंकि जब तक यशे का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो और ना तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा, इसलिए अभी भेज कर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय में मार डाला जाएगा। सुनो इस वचन का क्या मतलब है। ये वो शाऊल है जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, अभिषिक्त किया, लेकिन ये शाऊल जब इसके सामने आशीष आती है, जब इसके सामने खुदा इसको जितवाता है, तो ये घमंडी हो जाता है और अपनी बुद्धि लगाता है और परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं करता, अपनी मर्जी, अपने तरीके, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से करता है, और शैतान इसके अंदर एंटर होता है। और उसके बाद परमेश्वर दाऊद को अपनी प्रजा के ऊपर राजे के लिए अभिषेक करता है, लेकिन शैतान इसके द्वारा उसको खत्म करना चाहता है। ये वचन जो तुमने पढ़ा आप लोगों ने, जब जोनाथन शाऊल का बेटा था, लेकिन शाऊल का जो बेटा है, इस दुनिया में हम देखते हैं ना, चाहे बाप बुरा हो, चाहे कैसा भी हो, होता तो बाप का ही है। बोलो, बच्चे किसके होते हैं? चाहे उनका बाप बुरा हो, कैसा भी हो, हमेशा वो अपने फेवर को किसको देते हैं? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर वो है कि वो आपके दुश्मनों से भी, उनके संतान से, उनके घर से, उनके लोगों से भी तुम्हें फेवर दिलाने की सामर्थ रखता है। ये फेवर दाऊद को मिला और यही फेवर आज तुम्हारी जिंदगी में काम करने वाला। ऊंचा बोलो हालेलुया। वो जीवित खुदा है, उसने कहा, जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटूंगा। ये खुदा का वचन है, ये खुदा का कलाम है, और वो खुदा ये कहता है दाऊद की ओर होकर कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे वो लोग जो तुम्हें नाश करना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में बड़ा तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, खुदा हमारा इतना पावरफुल है कि उनके घर से, तुम्हारे दुश्मनों के अंदर से तुम्हें फेवर देगा यीशु के नाम से। और आ ये फेवर तुम्हारे ऊपर आ रहा है, रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस वचन को, ये फेवर खुदा का तुम्हारे ऊपर आ रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, टच। इस वचन से फेवर इनकी जिंदगी के ऊपर आए, इस वचन से फेवर इनकी जिंदगी के ऊपर आए। खुदा बन तेरा फेवर इनकी जिंदगी में काम करे, हर रुकावट आज टूट जाए, हर शैतानी बंधन, हर शैतानी चीज इनकी जिंदगी से टूटे और ये तेरा फेवर इनकी जिंदगी में काम करे। ओ आमीन। ऊंचा बरकत आपकी, अगर आमीन ऊंचा ऐसे रिसीव कर रहे हो तो ये जीवित वचन आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, ये वचन आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। बाइबल का हम एक और वचन पढ़ते हैं,
बाइबल में लिखा गिनती 22 अध्याय का 12 और 13 वचन पढ़ते क्या लिखा है। वचन में लिखा परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। 13 में लिखा भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकमों से कहा तुम अपने देश को चले जाओ क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। सुनो ये वचन के बाद तुम्हें समझ आनी चाहिए ये वचन मैंने जो पढ़ा इसका क्या मीनिंग है। बाइबल कहती है जब 40 साल जंगलों में भटककर अनाज्ञाकारी करके इजरायली लोग यहूदी लोग परमेश्वर की खास प्रजा जब अनाज्ञाकारी के कारण वो मरते हैं जंगल में, उनकी संतानें जब देखती है मन फराती है और कहती है हम यहोवा का वचन मानेंगे, हम यहोवा की इच्छा पर चलेंगे, तब परमेश्वर इन्हें उस जंगल से उस दूध और शहद की देश जहां बहता है, दूध और शहद की नदियों वाला देश जहां वो बहती है उस देश को देने वाला था। उस टाइम परमेश्वर उन्हें जब लेकर जा रहा तो सामने एक देश है उसका राजा घबरा गया है क्योंकि रास्ते में दो राजाओं को इन्होंने हरा दिया, लेकिन वो डर गया। वहां एक खुदा का दास था, वो जानता था अगर ये दास मान जाए मेरी बात, इन लोगों को शराब दे तो ये मेरे सामने से हार जाएंगे। लेकिन ये जो वचन हमने पढ़ा तो इसमें परमेश्वर ने उस बिलाम को जो परमेश्वर का दास था उसे कहा कि इनके साथ नहीं जाना क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को, क्योंकि अब उन्होंने मन फिराया है, अब उन्होंने फैसला लिया है मेरे साथ चलने का और मेरे वचन पर चलने का, मेरी इच्छा पर चलने का, इसलिए अब वो आशीष के भागी हो चुके हैं। बाइबल में लिखा उसके बाद राजा अपने हाकमों को भेजता है, इतना बड़ा लालच देता है, इतना बड़ा लालच देता है तुम सोच नहीं सकते। शैतान तुम्हें लालच दे सकता है किसी बिलीवर के मुंह से, किसी के थ्रू आ जा, उधरा उधरा कर तो देख, तुम्हें ऐसा लालच दे सकता है शैतान कुछ भी। लेकिन इस दास को जब लालच दिया गया ये लालच कर लेता है और राजा के साथ चलकर परमेश्वर की प्रजा को क्या करने के लिए, श्राप देने के लिए, ताकि वो नाशित हो जाए, हर जाए, उनके परिवार घर बरवार सब बिगड़ जाए। लेकिन उसके बाद जब वो राजा के साथ चलता है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है, सुनो इस वचन को हम 23:7-10 पढ़ेंगे, 7-10 जल्दी टीम। 7 वचन में लिखा तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा बलाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवावा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इज़राइल को धमकी दे। 8 परंतु जिन्होंने ईश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। 9 वचन चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं, वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। 10 वचन में लिखा यकूब ने धूली के किनकों को कौन गिन सकता है, वह इज़राइल की चौथाई की गिनती को कौन ले सकता है, सुभाग्य यदि मेरी मृत्यु भी धर्मियों की सी और मेरा अन्न भी उन्हीं के समान हो। हालेलुया। 11 वचन में क्या लिखा है, 11 में लिखा तब बलाक ने बिलाम से कहा तूने मुझसे क्या किया, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया था परंतु तूने उन्हें आशीष ही दी, आशीष ही दी। ये वचन को खाओ, अपने मन में रखो, जब इज़राइलियों की संतानों ने अपना मन फिराया, उनके पुरखाओं ने आज्ञाओं को तोड़ा, वचन को तोड़ा, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा, वो जंगल में उनकी लाशें ढेर हो गई, उन्होंने देखकर कि वचन को तोड़ना परमेश्वर से दूर होना मौत है, उन्होंने मन फिराया। बिलाम सोने चांदी हीरों के लालच में आके परमेश्वर की प्रजा को जब श्राप देने वाला है तब परमेश्वर उसके मुंह से आशीष के वचन देकर अपनी प्रजा को ब्लेस करता है। अगर तुमने आज अपना मन बनाया कि मैं भी खरा और पूरा रहूंगा, तुम्हारे 1,000,000,000 दुश्मन भी हो तुम्हें श्राप देने की कोशिश करें, तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम्हारे लिए श्रापित वचन बोले, या तुम्हारे ब्लैक मैजिक कुछ भी खतरनाक करे, खुदा उसे आशीष में बदल देगा।
रिसीव करो इस वचन को। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम पर ठहर रही है आज, ये आशीष ऊंचा। हालेलुया। ये कलाम तुम्हारी जिंदगी में आज गहरा असर कर रहा है, ये कलाम आज तुम्हारी जिंदगियों को बदल रहा है। मैं तुम्हें और एक वचन देता हूं, सुनो। प्रेरितों का वचन 10:44 क्या लिखा है, सुनो, सामने देखो। 10:44 में क्या लिखा है पत्रस, ये वचन को आपने क्यों ध्यान से देखना है, सुनो। थोड़ो एक मिनट रुक जाओ, सुनो, इधर देखो। क्योंकि जब तुम अब अंधकार में से चुनेंगे और तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है अपनी ज्योति में, तब तुम्हें ध्यान देना है कि तुम ज्योति की संतान हो, अब अंधकार की नहीं। बाइबल में लिखा, जब हम संसार के लिए मर गए तो संसार जैसे जीवन क्यों बताएं। बाइबल में लिखा, हम उन संसारिक लोगों की तरह नहीं है जो संसार में, वो उनसे अलग किए हुए लोग हैं। इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि जो संसार जैसे फिल्में, वीडियोस, चीजें देखती है, आप जानते हो उससे क्या होता है। इस वचन से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, ये वचन देखो क्या लिखा है। वचन में लिखा, पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, सब पर उतरा। स्क्रीन से देखो, उतरा। ये वचन सुन रहे थे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर उतर रहा आत्मा। यस 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 यस। ये आत्मा तुम पर उतर रहा है, ये आत्मा तुम पर भी उतर रहा है। तुम वचन सुन रहे तो आत्मा उतर रहा है। यस 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 यस। सुनो 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 सुनो, यह तुम्हारे लिए एक डीपली बात है। वो डीपली बात यह है, बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता है। अगर तुम संसार की बातें, गंदी फिल्में, बॉलीवुड के गाने, संसार की वीडियोस देखते हो तो शैतान की दुष्ट आत्माएं भी उतरती है, क्योंकि वो शारीरिक चीज है। तुम्हें ये आज अपने मन में इस वचन को खाना होगा और सीरियस होना होगा, क्योंकि होली स्पिरिट कहता है तुम्हें बहुत सारे अलर्ट नहीं है। तुमसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम समझते हैं ये बातें और हमेशा वो बड़ी आशीषों से दूर रहते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए आज। या ये एक फोटो देखो, एक फोटो देखो, इसकी फोटो देखो। इसका नाम है एरिक, ठीक है। 1924 की ओलंपिक्स, ये एक एथलीट है और ये इसने 100 मीटर की रेस का, ये एक प्लेयर है 100 मीटर दौड़ की प्लेयर का। सुनो देखो ध्यान से, फोटो को ले जाओ, मेरी तरफ देखो सारे ध्यान से। ये क्रिश्चियन है, एरिक इसका नाम है और ये एक रनर था। 100 मीटर की रेस में भाग लेते लेते आगे आया और ये 1924 की ओलंपिक में इसने जब भाग लिया तो ये 100 मीटर की जो इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स होती है, जब दौड़ते हैं तो इंटरनेशनल देशों के, अमेरिका, इंडिया, पता नहीं सब देशों के लोग उसमें होते हैं, तो एक ने फर्स्ट नंबर जीतना होता है। इसकी सालों की मेहनत थी, सालों की। इस बार इसको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये 100 मीटर की रेस जीतकर फर्स्ट प्राइज लूंगा। लेकिन जब इसको डेट समझ आती है, डेट तारीख समझ आती है, तो उस दिन संडे था, संडे। और जानते इसने क्या किया, इसने अपनी रेस छोड़ दी और चर्च गया। इसने परमेश्वर को पहला दर्जा दिया। सालों की मेहनत, सालों की मेहनत। हमारे लिए कोई भी इशू नहीं होता, हम नॉर्मली चर्च मिस करते हैं। सुनो ध्यान से, सुनो, मैं एक पास्टर की बात सुन रहा था, एक पास्टर की बात, बॉम्बे की पास्टर की एक वीडियो में देख रहा था। वो कहता हमारे चर्च के अंदर एक बॉलीवुड में पहले छोटे मोटे जैसे ड्रामा एक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनमें भाग लेती थी टीवी चैनल के, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई और उसने बॉलीवुड की फिल्मों में जब एंट्री करना था तो बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिली, क्योंकि स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी,
और टैलेंटेड थी, लेकिन उसको जब पता चला कि तुम्हें तभी एंट्री मिलेगी जब तुम अपना जिस्म दोगी, जिस्म, क्योंकि बिना जिस्म दिए तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। वो कुछ कुछ प्रभु को जानती थी, यीशु मसीह के वचन को जानती थी, वो जानती थी ये व्यभिचार है, ये पाप है। अगर मैं संसार में उन्नति करने के लिए, फेम नेम लेने के लिए ऊपर जाऊंगी, लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगी, इतना उसको पता था, ज्यादा नहीं पता था। इसलिए उसने वहां से क्विट कर दिया और वापस आ गई, उसने पास्टर को बताया। लेकिन बाद में क्या होता है, इतनी अच्छी चल रही थी, परमेश्वर की योजनाएं उसकी जिंदगी में पक्का प्रकट होनी थी, कुछ बेटर। उसने कहा जो परमेश्वर का होगा वो मेरी जिंदगी में प्रकट होगा, जो मेरे लिए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि वो एक चर्च मिस करती है एक दिन। जब एक दिन मिस करती है ना, तो उसके बाद सेकंड भी मिस हो जाता है, फिर नेगेटिविटी, दुष्टात्माएं काम करती है आपको पीछे करने के लिए। ये 100% होता है। तुम्हें आज का वचन सीरियस लेना होगा, सीरियस। जब आप एक मिस करते हो, दूसरा, तीसरा, कई महीने बैक चलेगी वापस, परमेश्वर से क्विट होगी। और शैतान ने वापस उसके दिमाग में डाला, अगर इस दुनिया में ही कुछ नहीं है तो फायदा क्या, कुछ नहीं होगा, दे दे तू जिस्म और जा ऊपर। वो रेडी होती है, अचानक वो जिसने जाना है अपॉइंटमेंट लेती है। कोई विश्वासी बहन उसे एक वीडियो सेंड करती पास्टर की, जब वो सुनती है, अचानक सुन लेती है, वो फिर से अपना मन फिराती है और वापस चर्च आती है और पश्चाताप करती है, कहती मुझे नाश होने से खुदा ने बचा लिया। सुनो, ये 100 मीटर की रेस का प्लेयर था, इसकी तैयारी 100 मीटर की थी। लेकिन जब ये चर्च जाता है, उसके बाद क्या होता है, इसको ऑफर आती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने मिस कर दिया 400 मीटर में भाग ले सकते हो। अब सोचो, 400 मीटर इसके लिए दौड़ नहीं सकता था, क्योंकि इसकी तैयारी नहीं है, इसकी तैयारी 100 मीटर की है। आप समझते हो ना, आपको पता है नहीं, सबको, जो 100 मीटर दौड़ता है वो 303 हिस्से ज्यादा उस स्पीड से नहीं दौड़ सकता। और सब उसे ठट्ठा कर रहे थे, मखौल कर रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे, तुम बेवकूफ, तुम्हें चर्च से क्या मिला, तुम्हारी तैयारी बढ़िया थी, तुमने कितनी जगह पर तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा गया, और इस बार पक्का लग रहा था कि तू फर्स्ट प्राइज जीता, कितना तू बेवकूफ। लोग हंसी कर रहे थे, बहुत सारा मजाक कर रहे थे, लेकिन इसने फैसला लिया कि मैं 400 मीटर दौड़ूंगा। और ये जब परमेश्वर पर भरोसा करके दौड़ता है और उसका फर्स्ट प्राइज लेता और गोल्ड मेडल लेता है, हालेलुया, ये एक बड़े टारगेट को जीत जाता है, क्योंकि ये चर्च खुदा के काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, प्रायोरिटी। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी प्रायोरिटी है, तुम कभी पीछे नहीं जा सकते। तुम्हारा पीछे जाने का कारण है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रायोरिटी को तुम पीछे करते हो, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा को आगे करते हो। लेकिन इस बंदे ने 1924 में खुदा के वचन को पहला दर्जा दिया, जैसे वचन में तूने पढ़ा है इसका स्टैंडर्ड। खुदावंद ने कहा, मैंने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है, अपने वचन को। सोचो, बाइबल में लिखा, मनुष्य क्या है कि तुम उस पर दृष्टि करे, वो मिट्टी के समान है, वो घास के समान है, धूप चढ़ती है और मुरझा जाती है। हमारी वैल्यू कुछ नहीं है, अरे कुछ भी वैल्यू नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि करता है, इतना महान, सर्वशक्तिमान, और हम आसानी से उसकी बात को आगे पीछे करते हैं। इसराइलियों ने किया, जंगल में ढेर हुए, उनकी संतानों ने मन फिराया, और बाइबल में लिखा बिलाम के मुंह में भी आशीष डाल दी उनके लिए। रिसीव करो इस वचन को, और आ ये वचन तुम्हारे ऊपर बरकत बनकर ठहर रहा है। सुनो सुनो सुनो, एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, उत्पत्ति 41 का 50, 51 और 52, तीन वचन पढ़ता हूं। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र ओन के याजक पोती पेरा की बेटी आसनत से जन्मे, और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कहकर मनशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया। 52
और दूसरे का नाम उसने ये कहकर अप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने से देश में परमेश्वर ने फूला फुलाया है। हालेलुया। इस वचन में आपके लिए एक आशीष है, इस आशीष को तुम्हें समझना होगा। यूसुफ नाश हो रहा था लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। हालात ऐसे थे कि वो कभी भी फिसल सकता था वचन से, लेकिन फिसला नहीं। बहुत दुखों में जानते परमेश्वर ने क्या किया, पराए देश में उसे प्रधानमंत्री बनाया, ऊंचा किया, और एक प्रधान की बेटी से शादी करवाकर जब उसका पहला बेटा पैदा होता है उसका नाम वो मनशे रखता है और दूसरे का ए प्रेम। इन वचनों में महत्व है तुम्हारे लिए, ये स्पेशल मनशे और ए प्रेम तुम्हारे लिए वर्ड है। बोलो, मेरे लिए मनशे शब्द, मेरे लिए है मनशे शब्द, ऊंचा बोलो, और मेरे लिए ए प्रेम शब्द भी मेरे लिए है। क्योंकि सुनो, इसका मतलब क्या है, मनशे का मतलब दुख भुलाना। परमेश्वर तुम्हारे दुख को भुलाएगा मनशे, ऊंचा बोलो मनशे। ए प्रेम तुम्हें फलवंत करेगा, बोलो ए प्रेम वाह मुझे फलवंत करेगा। ये आशीष तुम पर आज ठहर रही है। हर वचन जो खुदावंत का लिखा हुआ है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आशीष के लिए। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक और वचन पढ़ता हूं लास्ट में, रोमियो 6:16। इस वचन को ध्यान दो, क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के कारण, कैसे लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की न्याय सौंप देते हो उसी के दास हो। हालेलुया। और जिसकी मानते हो, चाहे पाप की, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के, इस सारे वचन ना पता नहीं कहां से लिखे इन्होंने उठाकर, क्या करूं मैं इनका, हां निकालो फिर से दोबारा से। वचन में लिखा, चाहे आज्ञा मानने के, जिसका अंत धार्मिकता है। सुनो देखो ध्यान, ये वचन को तुम्हें आज समझना होगा, तुम सबको। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज, सुनो देखो, बाइबल में लिखा है, फिर से हम इस वचन को पढ़ते हैं आपके लिए दोबारा, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की न्याय सौंप देते हो। बस ये लाइन पढ़ानी देती तुम्हें, सुनो देखो, वचन में लिखा है कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की न्याय सौंप देते हो, चाहे तुम पाप को या पाप करने में पाप की इच्छा को पूरा करने के लिए फिर तुम उसके दास हो, चाहे तुम परमेश्वर की आज्ञा मानने में ध्यान देते हो तो वो तुम्हारे लिए धार्मिकता है। इसमें तुम्हारे लिए गहरा पॉइंट है जो तुम्हें आज समझना होगा। कितने लोग आज सीरियस हैं, कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि मेरी आशीष आज पक्की है, कितने लोगों को, आंखें बंद करो फिर प्रेयर करो, सब लोग प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो अगले 2-4-5 मिनट। होली स्पिरिट कहता है तुम्हारे लिए धन्यवाद धन्यवाद। खुदावन, जितने भी लोग यहां बैठे, जितने भी लोग खुदावन ऑनलाइन है, यस यस, अपने मुंह को खोलो, जो कुछ तुमने आज सुना है हर वो वचन तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो रहा, हर वचन वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा। बोलते जाओ, जो आज पश्चाताप करना चाहते करो, जो तुम्हारी जिंदगी में गलत चीजें उसको बोलो खुदा को, वो आज अपनी सामर्थ से दूर करने वाला है, आज अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें साफ करने वाला है। हर जन, चाहे कोई नशा करता हो, गंदी वीडियोस देखता हो, उसके अंदर गंदे थॉट्स बने रहते लगातार, व्यभिचार के गंदे थॉट्स लगातार बने रहते, नशा की अभिलाषा अंदर बनी रहती है, झूठ
गलत कामों की इच्छा बनी रहती है। कहो कहो परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे साफ कर रहा है। बाइबल में लिखा तुम उसके पवित्र आत्मा से धोए गए, वही आत्मा तुम्हें आज धो रहा है, वही आत्मा तुझे साफ कर रहा है, वही आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, वही आत्मा तुम्हारी लाइफ में आज काम कर रहा है, वही आत्मा तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है, वही आत्मा तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। खोलकर हाथों को खोलकर, हाथों को खोलकर, मन को खोलकर आज प्रेयर करो। उसकी सामर्थ उतर रही है, उसकी जीवन शक्ति आज तुम्हें चंगा कर रही है, उसकी जीवन शक्ति आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारे घरों में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारे घरों में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारे घरों में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारे घरों में काम कर रही है, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी चीजों में। हर वो शैतान ने जो तुम्हारा लिया था, तुम्हारा खोया गया था, वो मेरा खुदा आज तुम्हें वापस दे रहा है, वो खुदा आज तुझे वापस दे रहा है। जितने पास्टर्स पहुंचे आज उन पर बरकत ठहर रही है, जितने पास्टर पहुंचे आज उन पर बरकत ठहर रही है, उनकी कलीसियाओं पर बरकत ठहर रही है, उनकी कलीसियाएं बढ़ रही हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ बढ़ रही है, उसकी सामर्थ बढ़ रही है। सुनो सुनो ने देखो, मैं तुम्हें आज ये वचन आत्मा से दे रहा हूं। 100% परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है और तुम्हारे दिल को वो जान रहा है, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मन की बातें। बाइबल में लिखा तुम कोई भी चीज खुदा से छिपाकर नहीं कर सकते, कोई भी काम तुम उसे छिपाकर नहीं कर सकते, सब कुछ उसके सामने है। वो खुदा ने तुम्हें अंधकार से चुना है ताकि तुम्हें सब कुछ साफ नजर आए, तुम धुल जाओ, तुम्हें समझ आ जाए। क्योंकि जब हम ज्योति में आ जाते हैं, जब हम गलत करते हैं, नशा करते हैं, तो हमें साफ साफ समझ आता है अंदर ये गलत है, ये ज्योति है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता तो तुम्हें अभी भी तुम गुलाम हो अंधकार के, तुम छोड़ा ही नहीं गए, तुम्हें प्रे करना होगा, तुम्हें प्रेयर में बढ़ना होगा। मैंने प्रेयर की पावर को देखा है, प्रेयर एक बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया। क्या है प्रेयर? प्रेयर एक ऐसा पावरफुल विषय है हमारे लिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रेयर लाइफ नहीं है तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आज गुड न्यूज ये है, ये पूरा मंथ यहां प्रार्थना होगी यीशु नाम। क्योंकि इन दिनों में जब मैं खास प्रेयर में गया, खुदा ने मुझे तुम्हें दिखाया, तुम्हारे काम दिखाए, तुम कैसे फंसे हो, तुम कैसे आगे पीछे हो, ये बातें मुझे खुदा ने बताई और उसने कहा और प्रेम में जा, इन्हें छूटने की जरूरत है, इन्हें बढ़ने की जरूरत है और ये फल तुम अपनी जिंदगी में देखोगे। जब मैं इन दिनों में प्रेयर में था और तुम लोगों को मैं आत्मा में देख रहा था, तुम कैसे चल रहे हो, कैसे आगे हो, कैसे पीछे हो, कैसे तुम्हारे जीवन में कुछ बातें आगे पीछे चल रही है। लेकिन आज का जो पवित्र वचन तुम्हें खुदा ने एकदम से स्पीड से दिए, ये हर वचन तुम्हारे ऊपर आशीष बनकर उतर रहा है। बाइबल में लास्ट वचन रोमियो का शेखा 16 जो हमने पढ़ा, सुनो ध्यान दो वो क्या है। वो वचन कहता है तुम जिस भी आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को दासों की तरह सौंप देते हो, चाहे पाप के चाहे परमेश्वर की आज्ञा। अगर तुम पाप के लिए अपने आप को सौंपते हो तो वो तुम्हारे लिए मृत्यु है, ऐसा वचन में लिखा है। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा में अपने आप को मन लगाते हो पूरा करने के लिए, तो वचन में लिखा वो तुम्हारे लिए धार्मिकता है। और तुम जानते हो ना धार्मिकता क्या है? वो जीवन है, अनंत जीवन है। सुनो देखो ध्यान से, बाइबल में लिखा जो रास्ता नर्क को जाता है वो आसान है, खुला मार्ग है, आसान मार्ग है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो रास्ता नर्क को जाता है
वह आसान है, सकरा है और खुला मार्ग है, लेकिन जो जीवन को जाता है, जो स्वर्ग को जाता है, वह तंग है, तंग है, बहुत तंग रास्ता है, कठिन रास्ता है। सुनो इस वचन का अर्थ समझो। आप जानते हो ना, जो नशा करते हैं उनके लिए नशा छोड़ना कठिन चीज है। जो लोग संसार के, जिन्हें संसार अच्छा लगता है, जिन्हें व्यभिचार अच्छा लगता है, जिन्हें शारीरिक पार्टीज अच्छी लगती है, संसारिक दुनिया अच्छी लगती है, बाइबल कहती है उनके लिए वो कठिन रास्ता है, जीवन वाला कठिन रास्ता। इस वचन को आज हमने समझना है, क्योंकि प्रैक्टिकल और मन बनाना और अंगीकार करना, और परमेश्वर अपने वचन को इस लिखी हुई बुक में नहीं रखना चाहता, वो तुम्हारे मुंह में रखना चाहता है ताकि तुम उसे बोलो, ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए नहीं है, तुम्हें ये बात मेरे लिए नहीं है। उन बातों को तुमने अपने मुंह में रखना है, समझकर जो खुदा तुमसे बात कर रहा है। अगर तुम आज अलर्ट नहीं हुए, ये सीरियस वचन है हमारे लिए। तुम अपने आप को किस में सौंपते हो, कौन सी अज्ञाओं में अपने आप को सौंपते हो? जैसे जैसे मान लो संसार में जब तुम्हें काम है, जैसे एरिक को पता चला कि मेरी तो रेस संडे वाले दिन है, तो उसने सोचा मेरे पिता का काम, मेरे पिता की संगति जो मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, उसने अपनी सालों की मेहनत साइड पर करके रेस मिस कर दी। आज इधर को इंटरव्यू आता है संडे, इधर को फंक्शन आता है संडे, सबसे पहले वहां, सबसे पहले वहां, तो आज फिर कहां, वो पीछे, वो इधर, वो इधर। वो 400 मीटर दौड़ा, गोल्ड मेडल लेता और फर्स्ट आता है, क्योंकि उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उसने आज्ञा मानी, अपने आप को दास बनाया, आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का दास बनाया। और वचन लिखा, वचन ये कहता है ये तुम्हारे लिए धार्मिकता है। अगर तुम पाप, संसार, दुनिया की इच्छा को मानोगे तो वो तुम्हारे लिए पाप है, मृत्यु है। कितने लोगों को आज वचन समझ आ रहा है? तो इसलिए तुम्हें आज सीरियस होना होगा। क्या होना होगा? सीरियस, सीरियस। हाथों को उठाओ, खुदा ने तुम्हें वचन दे दिया, टीम पीछे जाओ, उसको हटाओ, किटकिट बंद करो, सारे नहीं एक आधा, हाथों को उठाओ। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। बिलाम ने हीरे, मोती, सोना और बड़े पद को लेने के लिए परमेश्वर की उस प्रजा को, जिन्होंने मन फिराया था, जिन्होंने फैसला ले लिया था कि अब खुदा का, यहोवा का हमारी जिंदगी में पहला दर्जा होगा, जब ये मन फिराया तो बिलाम, जो परमेश्वर का दास, लालच से उन्हें श्राप देना चाहता था, परमेश्वर ने उनके मुंह में भी, उसके मुंह में भी आशीष के वचन डाल दिए, और वही वचन आज तुम्हारे लिए, वो आशीष आज तुम्हारी जिंदगी में। अपना मुंह खोलो, अंगीकार करो। टीम मेरे पास जल्दी आओ, मैंने तुम्हें जो बताया था, समझाया था, कुछ आगे पीछे मत करो, हाथ उठाओ, कहो परमेश्वर मैं आज तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तेरा दास बनाता हूं, और ये मेरे लिए धार्मिकता है, ये मेरे लिए जीवन है। हाथों को उठाओ, 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 उठाओ। मुझे बताएगा कोई क्या हो रहा है? यस 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 यस
आशीष तुम पर ठहरी, आंखें बंद करो हर एक जन, तुम्हें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना होगा क्योंकि स्पेशल खुदा का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है, खुदा का आत्मा टच कर रहा है, खुदा का आत्मा टच कर रहा है। खुदा ने आज जो शैतान ने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई थी, जो शैतान ने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई थी, तुम्हारे खिलाफ जो उसने युक्ति बनाई थी, खुदा का बलवंत दाहिना हाथ उस पर पड़ रहा है शैतान के ऊपर, और खुदा उसे आशीष की आशीष बनाकर तुम्हारे ऊपर ओढ़ेल रहा है, वो आशीष को बनाकर तुम्हारे ऊपर ओढ़ेल रहा है। ये सामर्थ तुम्हारे घरों में उतर रही है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर उतर रही है, तुम्हारे कारोबार के ऊपर उतर रही है, तुम्हारे पशुओं के ऊपर उतर रही है, तुम्हारी जमीनों के ऊपर यह आशीष उतर रही है, तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे काम काज पर, क्योंकि शैतान की चुक्ति को उसने जो तुम्हारी हानि के लिए सोचा था, जो चुक्ति बनाई थी, योजना बनाई थी, मेरा खुदा का हाथ, दाहिना हाथ उस पर पड़ रहा है। शैतान के जबड़े पर, उसके उस काले मुंह पर जिसे वो तुम्हें श्रापित करना चाहता था, वो टूट रहा है मुंह, और खुदा उसे आशीष में बदल रहा है तुम्हारे लिए, वो आशीष में बदल रहा है तुम्हारे लिए। सालों से, मैं कहता हूं 30 साल से, ऑनलाइन और यहां, जिनके घर बंद थे, खुदा उन्हें खोल रहा है, वो आशीष तुम्हारे ऊपर आ रही है, खुदा वो आशीष तुम्हें दे रहा है। वो बहनें जो निराश थी सालों से, मैं कहता हूं आज की रात अपने पेट पर हाथ रख लें वो बहनें, चाहे 30 साल से बच्चा नहीं था, मैं कहता हूं 35 साल से बच्चा नहीं था, आज पेट पर हाथ रखे वो बहनें, आज की रात हर वो वचन जो मेरे मुंह से निकला है, बाइबल में लिखा 7 साल वो खतरनाक अकाल के, मरी के, भूखमरी के, खतरनाक जो दुनिया के देश देखने वाले थे, लोग देखने वाले थे, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने दास को वहां भेजकर वहां अपॉइंट किया, और परमेश्वर ने उन लोगों के लिए 7 साल नाश के साल थे, जो 7 साल जो नाश के साल थे, परमेश्वर ने उसे सुकाल में बदल दिया। अगले आने वाले 7 साल ऐसी तुम्हारी जिंदगी में ठहरेंगी। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में फलवंत करने के लिए, तुम्हें फलवंत करने के लिए। आंखें बंद रखो, खुदा की आशीष तुम पर ठहर रही। दिखाओ, एलईडी में दिखाओ वीडियो।